हेलो आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मेरे चैनल पर वापस आने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मूवी गीक है। मैं अपने वीडियो से टेक्नोलॉजी के बारे में टिप्स और ट्रिक्स बताता हूँ, नए टेक्नोलॉजी का खुलासा भी करता हूँ, तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स और रोमांचक समाचार पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। आज मैं आपको आपके फोन के लिए कुछ बहुत ही मजेदार ट्रिक्स दिखाऊंगा। यदि आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो क्या आपने कभी एक दिन आईफोन स्विच करने के बारे में सोचा है? ये ट्रिक आपके एंड्रॉइड फोन को आईफोन में बदल देगा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। बहुत ही इजी नुस्खा है, आसानी से हो सकता है, बस कुछ ही स्टेप्स हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर OS 12 लॉन्चर को ढूंढिए। वाकई में बहुत सारे ऐप्स हैं यहाँ। ठीक है, तो अब आप फोन एक्स लॉन्चर OS 12i लॉन्च को चुनिए। 1 करोड़ डाउनलोड्स, वाह! मुझे एंड्रॉइड डेवलपर्स के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ऐप केवल 15 MB है, इसलिए आपका स्टोरेज भी ज्यादा जगह नहीं लेगा। ओके, अब इंस्टॉल करें। चलिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं ऐप डाउनलोड होने के लिए। इस ऐप में आईफोन के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कंट्रोल सेंटर, नोटिफिकेशन स्टाइल और स्पॉटलाइट सर्च। ओके, तो ये अब इंस्टॉल हो चुका है, कितना कूल है ना। चलिए देखते हैं कि ये ऐप है क्या चीज। अब एक्सेप्ट कीजिए। तो ये है आईफोन एक्स लॉन्चर, बहुत ही जाना पहचाना बैकग्राउंड है। आमतौर पर आईफोन का बैकग्राउंड ऐसा ही होता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं अब आईफोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुछ नोटिफिकेशन परमिशन मांगते हुए दिखाई देंगे, सब कुछ एक्सेप्ट करें, डरिए मत, मैं सब जान चुका हूँ। अभी फोन एक्स लॉन्चर को सब परमिशन दे दें। ये अलग अलग फोन पर थोड़ा अलग होगा, लेकिन आपको सिर्फ अपने फोन पर इसको एक्सेस करने की परमिशन देनी है। पहली बार iOS चलाने पर आपको उसके यूज करने का गाइड मिलेगा। तो ये है आईफोन का स्क्रीन। क्या आप सफारी आइकन में फोन कॉल, मैसेज, क्रोम देख सकते हैं? सच में हमारे पास कैलेंडर, कैलकुलेटर, टाइम, कैमरा, लाइब्रेरी, मैप्स और ऐप स्टोर भी है। नहीं, ये अभी भी प्ले स्टोर है। चलिए अभी यूट्यूब ट्राई करते हैं। ठीक है, नीचे स्वाइप करें और ढूंढिए। ओके, ये देखिए, ये काम करता है। कंट्रोल सेंटर को ऊपर स्वाइप करें। अभी यहाँ एक ट्रिक है, स्वाइप ऊपर के बजाय नीचे करें, क्योंकि एंड्रॉइड के फोन में ऊपर स्वाइप करने का फीचर नहीं है। तो यदि आप स्वाइप अप करते हैं तो ये एंड्रॉइड फीचर्स डिस्प्ले करेगा और कंट्रोल सेंटर नहीं दिखाएगा, बिल्कुल इस तरह, समझे ना। इंटरफेस काफी अच्छा है, स्क्रीन ब्राइटनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, इट वर्क्स। ठीक है, ये काम करता है। कैमरा के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओके, ये अभी भी वही है। ये मत भूलिए कि ये ऐप आपको नोटिफिकेशन का लुक भी देता है, देखा आपने। चलिए अब इसे असली आईफोन से कंपेयर करते हैं। ओके, तो सब कुछ अभी भी आपके फोन पर है, सिर्फ आइकन्स आईफोन के हैं, और ये 90% यानी 90% आईफोन की तरह दिखता है। क्या मैं इसे रेकमेंड करता हूँ? बेशक क्यों नहीं, आप अपने दोस्तों के फोन के साथ भी खेल सकते हैं शायद। बेशक ये ऐप आपके एंड्रॉइड फोन को आईफोन नहीं बना सकता, लेकिन कोशिश अच्छी थी ना। मैं कहूँगा अनुभव अच्छा है। क्या आपने ये ट्राई किया और क्यों? आप इससे कैसे रेट करेंगे? नीचे खूब सारे कमेंट कीजिए। नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द ही फिर मिलेंगे। अलविदा दोस्तों।